आपका एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि सुफियान भाई हमारे हमें बुला रहे हैं, उन्होंने न्यू टैंक लाए हैं उसके सेटअप के लिए। तो सुफियान भाई आप क्या क्या लाए हैं? भाई पहले तो मैं ये दूसरा टैंक लाया हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। एक मेरा टैंक ऊपर है जो आप सबको पता ही है, उसमें हम लाके आए हैं एक ये वाइट पत्थर जो कि हम पे 5-6 हैं, दूसरे ये ब्राउन पत्थर जो कि ये भी 6-7 हैं। इसके अलावा रंगीन बजरी देख सकते हैं जो डलती है कई रंग में, लेकिन अब की बार हमारा नया सेटअप है तो हम इसमें डालेंगे वाइट बजरी साथ में ताकि जिससे लुक अच्छा है। उसके बाद एक ये बड़ा टोय है जो कि काफ़ी अच्छा लगेगा क्योंकि ये वाटर पंप वाला है, इसके यहाँ से फुहारा निकलेगा पीछे से अगर हम इसके अंदर एयर पंप लगाएंगे तो। और उसके अलावा एक ये छोटा वाला तो है हमारा। बाकी प्लांट हम एक तो इसमें आर्टिफिशियल लगाएंगे और दूसरा हम एक ओरिजिनल प्लांट लगाएंगे जो कि आपको सबको पता है मनी प्लांट है। दूसरी बात, ये 3 फीमेल मोली हैं हम पे। और उसके बाद में हमारे पास करीब 6-7-8 के करीब इसमें एक तो वाइट, ब्लैक और काफ़ी सारी मोली हैं जैसे आप देख सकते हैं इसके अंदर। उसके अलावा हमारे पास बोल भी है जिसके में हमारी 13 मोली पहले से हैं, बलून मोली। तो आप बने रहिए व्लॉग के अंदर और हम दिखाते हैं कि व्लॉग का नया सेटअप कैसे करते हैं। तो गाइस हम डाल रहे हैं बजरी धोने के लिए, देख सकते हैं आप कितना कूड़ा है। अरे 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 अरे, ये तो बाल्टी लीकेज है अम्मी तुम्हारी। जैसा आप देख सकते हैं हमारे सुफियान भाई काफी मेहनत के साथ लगे हुए हैं काम में। अभी बाद में बात करेंगे भाई। तो देख सकते हैं आप कितनी मेहनत के अंदर लगे हुए हैं शिद्दत से। तो इंशाल्लाह वीडियो का रिस्पांस अच्छा आना चाहिए गाइस, और वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाएं। अगर आप पहली बार आए हमारे चैनल पे और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें गाइस। भाई सुफियान की मेहनत, और ये हमारा आप देख सकते हैं सारा सेटअप। बाउल के अंदर भी हमारी फिश है जी, और इसके अंदर फाइटर, सब एक एक लाइक करके जाएँ गाइस। चलो गाइस देख सकते हैं आप, हम कर रहे हैं आप बजरी सेट इसमें, जो कि है बड़ी मेहनत का काम। गाइस प्लीज एक लाइक जरूर करके ना चैनल को, जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब तो जरूर करें चैनल को। आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। हेलो आप देख सकते हैं गाइस कितना प्यारा बज रहा था ये, कोई भी नहीं बजा सकता इसको। तो आपको दिखाते हैं पत्थर लगने के बाद क्या लुक आया है। लुक एट दिस गाइस, ऑसम। डालने ऐड करने वाले इसके अंदर कलरफुल स्टोन, जैसे आप देख ही सकते हैं। ये भी जरूरी होता है कलरफुल स्टोन डालना भाई, बहुत जरूरी रहता है, लुक अलग ही निकल के आएगा इससे। और उसके बाद प्लांट ऐड करेंगे, और एक करेंगे लाइव प्लांट और एक करेंगे आर्टिफिशियल। एक मनी प्लांट लगा देंगे इसमें, ओरिजिनल वाला है भाई। मनी प्लांट बढ़िया रहेगी क्योंकि लाइव प्लांट भी सही रहेगा गाइस, और आर्टिफिशियल के लिए आपको दिखाएंगे तो वो भी ऐड होगा। और जब तक आप वॉच करें मजेदार वीडियो के, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। सर इसमें बड़े वाले, और यहाँ मटका रखेंगे, मटका भी हमें मिला नहीं है। जब हमें मिल जाएगा तो हम इसके अंदर यहाँ पे मटका ला के सेट करेंगे, देखना आप उससे कितना प्यारा लुक आएगा। ये वाले स्टोन हम इधर रखते हैं, अब लगाते हैं हम वाइट वाले स्टोन। ये देख सकते हैं आप, काफ़ी सारे स्टोन हम लिए आए थे तो इससे हमें काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, इससे मछलियों को ही मज़ा आ रहा है। आप ये बढ़िया लग रहे हैं हमारे स्टोन सारे। अब हम इसमें प्लांट ऐड करेंगे, जैसा आप देख सकते हैं प्लांट काफ़ी मस्त लग रहा है देखने में, और पानी भरने के बाद अलग ही लुक आएगी टैंक के अंदर। तो आप देख ही सकते हैं व्यू टैंक का, तो बढ़िया। बड़ी मुश्किलों में सेट करें क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा था कैसे रखना, लेकिन अब जब हमने रख दिया तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं क्या ये डिज़ाइन हमारे पास खड़ा होगा, आपको सही लग रहा। हमने इस तरीके से राउंड शेप लिया, और हमारा इरादा ये है कि हम इसे यहाँ रखेंगे, दूसरे वाले प्लांट को बीच में, और इस वाले टोय को इधर कोने में, और बीच में हम मछलियों के लिए ला के रखेंगे मटका। तो आप ज़रूर बताएं कमेंट करके कि आपको कैसा लगा।
एक दफे जरा जूम मार के भाई दिखाएं कितना प्यारा ट्री है, कितना प्यारा टो है। ये इधर से झरना बह रहा है, इधर से ये फुहारा निकलेगा, पीछे पावर पंप लगाएंगे हम एयर पंप, और इधर ये सारी ऐसे पहाड़ों की तरह कटिंग हुई हुई है। और इस प्लांट को भी आप देखें पास से कि तीन तो कलियाँ निकली हुई हैं, बीच में ये रंगीन सी घास दे रखी है और साइड में छोटी सी घासें दे रखी हैं। उसके अलावा भी आला देखते हैं इस वाले टोए में क्या है। इस वाले टोए में भी ऐसा है कि एक हाउस बना रखा है, इसमें से मछली छोटी हमारी मोली मच्छी निकल सकती है। इधर एयर पंप लगाएंगे हम पीछे, तो इधर से फुहारा निकलेगा, बबल्स आएंगे इस वाले में, और ये एक ट्री दे रहा था। तो अब आइए हम दिखाते हैं आपको कि हम इसे एक्वेरियम के अंदर कैसे लगाएंगे। हमारा आइडिया तो ये था गाइस कि हम इसे इधर सेट करें ताकि मछलियाँ पूरा राउंड शेप मार सकें, ठीक है। और ये प्लांट को हम इधर सेट कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा गैप बन जाए और हम बीच में एक मटका ला के रख सकें जिसमें मछलियाँ रात में सोती हैं तो उसमें सो सकें। और छोटा वाला टोए गाइस हम इधर रखेंगे क्योंकि इधर ज़्यादा स्पेस हो रहा था, तो इधर से मछलियाँ आराम से निकल सकती हैं। ये देखिए अब हमने पूरा सेट कर दिया, ये बस इसमें पानी भर के और हमें लगाना है फिल्टर, और एक हीटर हम वो बाद में लगाएंगे, और पावर पंप इन दोनों के लिए जो कि जिसमें से उसमें फुहारा निकलेगा और उसमें से बबल निकलेंगे वो हम बाद में सेट करेंगे क्योंकि अभी वो हमें मिले नहीं है। हमने ऑर्डर दिया है ऑनलाइन मंगाएं तो कल तक आ जाएंगे हमारे पास, तो हम कल दिखाएंगे आपको कि वो कैसा लगा। पानी कर रहे हैं इसके अंदर ऐड, और एंटी क्लोरीन हम डाल चुके हैं, मिक्स कर चुके हैं पानी को, आधी शीशी डाली है मैंने एंटी क्लोरीन की, इसमें बहुत है, इनफ है। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं गाइस काफ़ी प्यारा लुक आने लगा है पानी डालने के बाद, और काफ़ी औसम लगेगा जब पानी क्रिस्टल क्लीन होगा ना इसका 3 से 4 घंटे में, तो और बढ़िया लगेगा। ये क्या हादसा होते होते बचा है गाइस हमारे साथ, गाइस अभी पूरे गंगा में बाढ़ आ जाती अभी पूरा पाइप पकड़ लिया, टैंक में बाढ़ करनी थी, ये बाहर आ रही थी अभी, और पिक्चर क्रिएट हो जाती गाइस और आपको भी मजा आता। थंबनेल थंबनेल सही है, अब दिखा गाइस, आप देख सकते हैं हमारी लाइट और हीटर हमारा दोनों चीज़ें लग चुकी हैं, और ये कितना प्यारा लग रहा है हमारा एक्वेरियम, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं इसे देखने में। अगर गाइस आपको हमारी ये मेहनत अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल को नए हैं तो लाल कलर का नीचे निशान दिखाई दे रहा होगा सब्सक्राइब को, उसे ज़रूर दबाएँ और घंटी को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी कोई भी फिश अपडेट आपको आए तो सबसे पहले आपके पास पूछे। और अभी मैं आपको एक चीज़ और जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो दिखाता हूँ, एक अच्छा सा सरप्राइज आपके लिए। ये देखिए, अब देखिए इसका लुक कैसा लग रहा है गाइस, अब लुक ये बताइए। इसमें कलर वीडो हैं, बलून मोली हैं और नॉर्मल मोली है, मोली मेल फीमेल सब हैं, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं। अब ये एक बार ये देखें, चेक करें, मटके की कमी है, मटका हम ला के रख देंगे इंशाल्लाह फल वल, ये हमारा टैंक पूरा हो जाएगा। फिर आपको रोज़ इसी का एक शॉट तो डेली मिलेगा, और कोई मछली अगर देगी तो एक लॉन्ग वीडियो भी आपको ज़रूर मिलेगी। तो गाइस चैनल पर बने रहें और देखते रहें हमारा चैनल फिशमैन सूफ़ी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग से सब्सक्राइब करवाएं। गाइस आप लोगों का सपोर्ट ही चाहिए जो हमें आगे बढ़ाता है, अगर आप लोग ऐसे सपोर्ट करेंगे हमें तो हम आगे इंशाल्लाह इससे बड़ा भी, शायद जो हमें उम्मीद है कि हम इससे बड़ा भी टैंक ला के रखें और उसके अंदर हम आपको दिखाएं कि मछलियां किस तरीके से भी आप घर पर पाल सकते हैं।